पिछले काफी समय से डेंगू और मलेरिया तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, जिसके चलते कई सारे लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। लेकिन अब लोगों में मलेरिया और डेंगू की बीमारी की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। मलेरिया विभाग की टीम ने शहर के वार्ड क्रमांक 19 में सर्वे किया, जिसमें कई घरों में लार्वा मिला। ऐसे में पानी की टंकियां खाली कराई गई, जबकि नलियां, पानी की टंकी और कूलरों में टीम ने एक दवा डाली है जिससे लार्वा मर जाते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलेरिया विभाग की टीम शनिवार को शहर के वार्ड क्रमांक 19 में पहुंची, जहां टीम ने एक एक करके 173 घरों में सर्वे किया। टीम को इन 173 घरों में किए गए सर्वे में किसके घर में पानी की टंकी में तो किसी के घर में कूलर में भरे पानी में मच्छरों का लार्वा तैरता हुआ मिला। ऐसे में टीमों ने दवा डालकर इस लार्वे को नष्ट किया और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी कि वो हर रोज अपने घरों में भरे पानी को बदले, जिससे कि लार्वा पनप ना सके। शहर में मलेरिया के मरीजों को लगातार इजाफा होता जा रहा है। जिला अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना मलेरिया पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि शहर में अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद मलेरिया डिपार्टमेंट की टीम हरकत में आई और शहर के वार्ड नंबर 19 में सर्वे करते हुए लार्वों का नष्ट करने की कार्रवाई की गई। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।